हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? जैसा है बहुत ही अच्छे हो गए। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स हमारा चल रहा है, और ब्रिक्स के अंतर्गत हम जो है पिछले वीडियो में कुछ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, वो एक बार जो है देख लेते हैं। तो हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। और ब्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आधार पे जो है किया गया है, ठीक है। ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे किया गया है, तो वो सारे जो है आधार जिन बेस पे जो है किए गए थे वो हम जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और सारी बातें जो है इससे संबंधित हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है इसके आगे आज का जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक रहेगा कि इसके बाद हम अब जो है कुछ स्पेशल टाइप के जो है ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं चलो, तो जो है अब जो है हम कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिक्स पढ़ेंगे, और इसके बाद से ये जो है लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद से जो ब्रिक्स वाला हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, सम सम स्पेशल SPECIAL, ये सी है, CIAL, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक। तो कुछ स्पेशल प्रकार के भी ईंट होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं और हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो स्पेशल ब्रिक है उसे हम कहते हैं हैवी, HEAVY, हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी ब्रिक। और इसका जो IS कोड है, इसका जो IS कोड है IS 2180। तो IS कोड 2180 के अंतर्गत जो हैवी ड्यूटी ब्रिक आता है। अब देखो, हैवी ड्यूटी से मतलब समझ रहे हो, हैवी का मतलब होता है भारी या बहुत ज्यादा। तो ये जो ईंट होगी, हैवी ड्यूटी ब्रिक जो होगी, वो बहुत ज्यादा जो है लोड बियर करेगी, इस वजह से जो है इसका नाम हैवी ड्यूटी जो है ब्रिक जो है रखा गया है ना। तो ये जो हैवी ड्यूटी ब्रिक है वो कैसी होती है, तो सेम जो हमारी जो हम ईंट देखते हैं, जो नॉमिनल साइज की ईंट है, जो सामान्य ईंट है, उसके जैसी ही होती है। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी तुलना में इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है। तो एक नॉर्मल ईंट कैसे होता है, यहाँ पे मैंने फिगर नहीं रखा उसका, आप जान रहे हैं, एक नॉर्मल ईंट जो है ऐसे होती है, तो सेम वैसे ही रहेगी, लेकिन इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यह ब्रिक, यह ब्रिक जो है, यह ब्रिक BURNT, बर्न क्ले ब्रिक जैसी होती है, परंतु इसकी COMPRESIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा होती है। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक जो है कुछ नहीं है, नॉर्मल ईट ही है, लेकिन इसका जो
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। अब स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होता है तो इसे जो है क्लासिफाई दो भागों में किया गया है हैवी ड्यूटी ब्रिक को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन। और इसमें जो है पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लास 400 है, CLAWS क्लास 400, यानी कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है कम नहीं होती है। ठीक है, मतलब 400 सेंटीमीटर 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होती है। और इसके बाद से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 450 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है होती है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि क्लास 400 की ईंट है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CompressivIG, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, परंतु चार सौ पचास के जी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मिनिमम जो है 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और अधिकतम जो है 450 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होता है। और दूसरा हम बात करें क्लास CLAWS क्लास 450, ठीक है, क्लास 450, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 450 के जी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे लिखते हैं इसकी CompressivIG कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 450 के जी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही हैवी ड्यूटी ब्रिक। हैवी ड्यूटी ब्रिक जो है सामान्य ईंट की तरह ही होती है, परंतु इसकी जो स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला क्लास 400 और दूसरा जो है क्लास 450। ठीक है, तो 400 में क्या होता है कि इसकी मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है कम नहीं होनी चाहिए, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम इतना होना चाहिए 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और अधिकतम जो है 450 होना चाहिए। और क्लास 405 में जो है इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है होनी चाहिए। ठीक है, और वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, WATER वाटर ABSORPTION, तो इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन का मान है वो जो है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक नहीं होना चाहिए 10% से। ठीक है, 10% से यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 24 HOUR 24 आवर
इमर्स IMERGEN इमर्जन IMER ठीक है, IMERSION इमर्जन इन वाटर। तो अगर हम इस ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखेंगे तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका जो ड्राई वेट होगा उस ड्राई वेट के जो है 10% से अधिक जो है ये वाटर जो है नहीं सोखना चाहिए, ठीक है। और लास्ट चीज बात हम करेंगे इसमें, इफ्लोरोसेंस EFLORESCENCE। तो इफ्लोरोसेंस की बात करेंगे तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नील नील मतलब कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है पहला हमारा हो गया हैवी ड्यूटी ब्रिक, और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम करेंगे फाउंडेशन में करेंगे, FOUNDATION, फाउंडेशन में जो हम मैसनरी करते हैं उस मैसनरी के लिए करेंगे, फिर रिटेनिंग वाल के रूप में हम कर सकते हैं, फिर डैम, डैम को बनाने में नहीं, मतलब डैम जहां बन रहा है वहां अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा है तो वहां पे कर सकते हैं मैसनरी वर्क में, फिर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में कर सकते हैं, MULTI BUILDING मल्टी स्टोरिंग, अरे क्या लिखते हैं मैंने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग BULDING, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कर सकते हैं। इसके बाद से जो भी हैवी स्ट्रक्चर है हैवी स्ट्रक्चर STRUCTURE हैवी स्ट्रक्चर ETC, तो ये रही जो है हमारी हैवी ड्यूटी ब्रिक। तो ये एक स्पेशल प्रकार की ईंट है और इसका IS कोड क्या है 2180, और इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400, और दूसरे क्लास की अगर बात करें तो 450, और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, और ये फ्लोरोसेंस जो है इसमें नील होना चाहिए, और इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम, तो अब जो है हमारी अगली ईंट है दूसरा जो स्पेशल ब्रिक है उसे हम कहते हैं बर्न्ट क्ले, BURNT बर्न्ट क्ले, PERFORATED परफोरेटेड ब्रिक BRCK, बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक। और इसका IS कोड क्या है, तो इसका IS कोड है IS 2222, मतलब 4 बार 2। तो ये जो है बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस ईंट में, मतलब इस ईंट में ना होल्स बने होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल या रेक्टेंगुलर जो है होल्स बने होते हुए हैं, और होल्स जो है पूरे ईंट के आर पार होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, और इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो क्षमता है वो कम होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ईंट है इसमें देखो होल्स बने हुए हैं, इसमें सर्कुलर है, इसमें रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, और ये भी जो नीचे वाला ये भी है, तो इसमें भी देख रहे हो, तो इसमें जो है वर्टिकल या हॉरिजेंटल किसी भी, देखो अगर इसको कहेंगे तो ये हॉरिजेंटल होल हो गया और ये वर्टिकल होल हो गया, मतलब ईंट कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी, यहाँ पे जो फिगर है
तो होल ऐसे रहेगा तो ये वर्टिकल हो गया, और होल ऐसे है तो हॉरिजेंटल हो गया। तो ये वाला क्या है, हॉरिजेंटल, और ये वाला वर्टिकल, ठीक है ना। तो बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक में जो होल्स होते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों रूप में हो सकते हैं, और सर्कुलर के अलावा रेक्टेंगुलर कुछ भी जो है हो सकता है। तो देखो, अब इसमें जाहिर सी बात है कि होल है तो इसका क्या होगा, जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। और दूसरी चीज कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो क्षमता है, पानी को सोखने की जो क्षमता है, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये जो है परफोरेटेड ब्रिक है, तो इसको लिख लेते हैं। ईंट में यहाँ पर ईंट में VERTICLE वर्टिकल, R HORIZONTAL हॉरिजेंटल, स्मॉल होल्स बने होते हैं, ठीक है। वर्टिकल में और हॉरिजेंटल जो है स्मॉल होल बने होते हैं, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी COMPRESIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, बुक में इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है वो डिफाइन नहीं कर रखा है, तो इस वजह से मैं भी अब जो है नहीं डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो अभी लिखेंगे, तो इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अब एक बात समझो, ये परफोरेटेड है, ठीक है ना, चारों तरफ से इसमें जो है चारों तरफ से जो है छिद्र किए हुए हैं, तो ये खोखला है, तो खोखला है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है। तो अगर इसके सिमिलर कोई और वेट होगी तो उसकी तुलना में इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और क्या है कि इसका वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो छिद्रित है। तो छिद्रित होने के कारण जो है क्या होगा कि जो मटेरियल है वो बाहर ज्यादा मटेरियल जो है क्ले और सिलिका जो भी इसमें यूज किया जाता है, तो वो मटेरियल जो है बाहर ज्यादा आ गया है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। और हल्का होने के कारण क्या होगा कि ये जो है इकोनॉमिकल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यह बहुत हल्का और ECO इकोनॉमिकल, मतलब इसमें खर्चा नहीं आता है ज्यादा। ECONOMICAL यह बहुत हल्का और इकोनॉमिकल होता है, ठीक बात है। तो यह हल्का होता है और साथ साथ में जो है इकोनॉमिकल भी होता है, और इसका यूज जो है हम करते हैं कहाँ, इसका यूज हम करते हैं पार्टीशन वाल में, PARTATION पार्टीशन वाल, और इसके बाद से पैनल वाल, PANNEL पैनल वाल। तो इसका उपयोग हम पार्टीशन वाल में और पैनल वाल में हम करते हैं, ठीक है। और इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज जो है दो होती है, ठीक है ना, दो साइजों में ये उपलब्ध होता है। तो साइज लिख लेते हैं,
पहला जो है ये 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में मिलता है या हम लोग बनाते हैं, या और दूसरा 29 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो पहले वाले में इसकी लंबाई तो जैसे हमारी सामान्य ईंट है उसके बराबर ही है, और दूसरे वाले में इसकी जो लंबाई है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, COMPRESIV, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कम नहीं होनी चाहिए 7 न्यूटन या 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो देख रहे हो ये इसकी जो स्ट्रेंथ जो है मिनिमम होनी चाहिए, जो वो सेकेंड क्लास ब्रिक के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ जो है सेकेंड क्लास ब्रिक से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है, 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है अधिक नहीं होना चाहिए, WATER, वाटर ABSORPTION, वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक नहीं होना चाहिए 15% से। किसका, ड्राई वेट का, अगर हम इसे जो है 24 घंटे वाटर में डुबो के रखते हैं तो ये वाली बात जो है मैं यहाँ पे अब नहीं लिखूंगा कि बार बार वाटर में 24 घंटे डुबो के रखेंगे, तो आप लोग जो है समझ जाएंगे, ठीक है ना। और इफ्लोरोसेंस क्या होना चाहिए, तो इफ्लोरोसेंस जो है स्लाइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ELFLORESCENCE, फ्लोरोसेंस अधिक नहीं होना चाहिए 10% से, और 10% था तो क्या था, शायद SLIGHT स्लाइड था, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और हम ये जो स्लाइड लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप एक बार जो है डाटा मिला देना, क्योंकि मैं मुझे शायद दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। ये जो स्लाइड लिखा हुआ है ये सही है, ठीक है। तो हम जब इफ्लोरोसेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे जो लिखा गया था 0, 10, 10 से 50, 50 से अधिक, तो ऐसे था। तो स्लाइड के लिए जो इफ्लोरोसेंस था वो जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो शायद 10 ही था, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। अरे यार, तो स्लाइड के लिए क्या था, 10 से कम था, ठीक है। तो इफ्लोरोसेंस जो है इसका जो है 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 10 से कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, स्लाइड रहेगा, ठीक है। तो ये रहा जो है बर्न्ड क्ले, क्या था ये, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक। तो ये दूसरे स्पेशल टाइप की ब्रिक जो है हमने पढ़ी है, और इसके बाद से अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला टाइप का जो ब्रिक है वो है बर्न्ड क्ले
पेविंग ब्रिज। अब पेविंग का जो है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वहां पे शुरू में आपको, वो जो है सही था। पेवमेंट आपने नाम सुना होगा, हाईवे में हम यूज करते हैं पेवमेंट। तो देखो पेमेंट क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा रोड का क्रॉस सेक्शन हो गया, और ऐसे जो है रोड बना रहता है, ठीक है ना, बीच में थोड़ा सा उठा रहता है और बाकी जो है इधर स्लोप रहता है। तो ये जो यहाँ से और यहाँ तक ये जो पाथ है, जो कंक्रीट का बना हुआ है या बेलास्ट का बना हुआ है, बिटुमन का, तो इसी पे जो है गाड़ियाँ चलती हैं। और अगर साइकिल के लिए है तो साइकिल चलेगा, और अगर जैसे कि हमारा जो है, हमारे गांव में जो गली होती है, खड़ंजा होता है, या पतले जो है रोड होते हैं, तो उस पे जो मटेरियल वाला भाग होता है उसी को हम पेवमेंट कहते हैं या पेविंग कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब हमारा जो अगला ईंट है वो बर्न क्ले पेविंग ब्रिक है। तो ये जो ईंट है इसका हम यूज हम कहाँ करेंगे, पेविंग के रूप में। मतलब हमारा मान लो कि कोई रास्ता है, और रास्ता जो है इतना चौड़ा है, ठीक है, तो इतने चौड़े में क्या होता है कि हम पूरे में जो है ईंट जो है नहीं बिछाते हैं, तो आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि गली में या कहीं पे भी साइड में नालियां होती है, तो नालियों को छोड़ करके, और भी अगर जो छोड़ा जाता है उसे छोड़ करके, और बाकी एरिया में जो है बिछा दिया जाता है। जो भी अगर कंक्रीटिंग करना, आरसीसी पीसीसी करना हो तो पीसीसी कर देते हैं, और खड़ंजा बिछाना हो तो ईंट बिछा देते हैं। तो जितने भाग में हम ईंट को बिछाते हैं उस भाग को हम कहते हैं पेविंग, ठीक है। और पेविंग कहते हैं तो इसी पे जो है कोई भी आदमी, जानवर, गाड़ी, बाइक, जो भी चलना होता है वो इसी पे भी चलेगी। तो जब हम पेविंग ब्रिक की बात कर रहे हैं, तो जो ईंट हम बनाएंगे वो हम उसका यूज हम रोड के रूप में करेंगे, या गली में खड़ंजे के रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हो। या और भी कई जगहों पे जहाँ पे हमें पाथ की जरूरत है, रास्ते की जरूरत है, तो उस रास्ते में हम उस ईंट को यूज करेंगे, समझ पाए। तो या जैसे कि आपका कोई बड़ा सा एरिया हो गया, उसे पूरा जो है फर्श करना है, तो वहां पे हम जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है यूज वैसे जगहों पे किया जाता है। तो लिखते हैं हमारा अगला ईट है तीसरा, बर्न्ट क्ले, BURNT, बर्न क्ले पेविंग ब्रिक। और इसका जो IS कोड है वो 3583 है, बर्न क्ले पेविंग ब्रिक। और इसका जो IS कोड है वो 3583 है। तो यहाँ पे पहले मैं बर्न क्ले पेविंग ब्रिक को दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला जो ईंट यूज किया गया है यहाँ पे, ये क्या है, बर्न क्ले। बर्न मतलब क्या, पका हुआ, तो पकी हुई ईंट है क्या, पेविंग ब्रिक है। अब देखो ये रास्ते में पूरे यहाँ से पूरे रास्ते में जो है इसको यूज किया गया है। तो क्या है कि अब जब रास्ते में चलोगे आप, तो क्या होगा कि जैसे कोई मान लो यहाँ पे साइकिल जाएगी, या कोई बाइक जाएगी, या कोई गाड़ी जाएगी, या हम चलेंगे, या अगर कोई कुत्ता बिल्ली जानवर भेड़ बकरी गाय भैंस चलेगी, तो क्या होगा कि ये जो ईंट का सरफेस है, उस सरफेस और हमारे पैरों में या टायरों के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये ऊपर का जो है सरफेस घिसेगा। तो अगर अगर ये इसका जो सरफेस रेजिस्टेंस है अगर वो कम रहेगा, तो क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी घिस जाएगा और खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से हम स्पेशल टाइप के ब्रिक बनाते हैं, जो क्या होती है कि इसका सरफेस जो है घिसे नहीं। और नॉर्मल हमारे गांव में तो ऐसा देखा जाता है, या आप लोगों के गांव में ऐसा होता होगा कि जब खड़ंजा बनता है तो जो भट्टे पे नॉर्मल ईंट मिलती है उसी को ला करके बिछा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके लिए अलग से प्रावधान होता है, उसके लिए अलग से ईंटें डिफाइन होती हैं, समझ रहे हैं आप।
और उसका जो है पैसा अलग होता है, और क्या करते हैं वही ईंट यूज करके और पैसा जो है खा जाते हैं। तो ऐसे जो है काम होता है, हर चीज के लिए जो है डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है पढ़ रहे हैं बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक। तो पेविंग ब्रिक में क्या होता है कि इसमें ना आयरन की मात्रा बढ़ा देते हैं। इस ईंट में IRON, आयरन, आयरन बोले तो आयरन पाइराइट, PYRITE, Fe2S, Fe2S शायद होता है, आप लोग एक बार देख लेंगे। आयरन पाइराइट ईंट में जो है आयरन पाइराइट की मात्रा बढ़ा देते हैं। जो नॉर्मल ईंट बना रहे थे हम, उसमें जो इंग्रेडिएंट रख रहे थे जिस अनुपात में, उस अनुपात के अलावा हम इसमें केवल आयरन पाइराइट की मात्रा जो है बढ़ा देंगे। अब आयरन पाइराइट की मात्रा बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि जो ईंटों को हम पका रहे थे 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, अब वो ईंटें जो है क्या होगी, जो जितने टेम्परेचर पे हम पहले पका रहे थे, अब क्या होगी कि ईंटों का जो पकने का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ईंट क्या होगी, कम तापमान पे ही पक जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हम जो है, हम पहले ज्यादा टेम्परेचर पे पकाते थे, अब हमने आयरन पाइराइट की मात्रा बढ़ा दी। इसके कारण क्या होगा कि जो उसमें हम सिलिका यूज किए हैं वो कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, पिघल जाएगा। और पिघल जाएगा तो क्या होगा कि सिलिका से ग्लास बनता है, तो ईंट के चारों तरफ जो सरफेस पे जो है पूरा सरफेस उसका ग्लासी हो जाएगा अच्छे तरीके से, समझ रहे हो। और ग्लासी हो जाएगा जिसके कारण जो है इसका जो है सरफेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब सरफेस रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया तो हम जो है इसका यूज ऐसे जगहों पे करेंगे जहाँ पे सरफेस पे जो है लोड आ रहा हो, मतलब सरफेस का यूज, सरफेस पे ज्यादा ज्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी जगहों पे हम इसका यूज करेंगे, समझ रहे हो। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आयरन पाइराइट हम एक्चुअल में मिलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि IRON, आयरन की मात्रा बढ़ा देने से लो TEMPERATURE, लो टेम्परेचर पर ही BRIC के ब्रिक का सरफेस GLASS ग्लासीय हो जाता है। अब ग्लासी हो जाएगा तो क्या होगा, जिसके कारण सरफेस आर आई नहीं हुआ, RESISTANCE, सरफेस रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें क्या होगा कि अब वो देखो उसका सरफेस जो है क्या हो गया है, ग्लासी हो गया है। तो ग्लासी होने के कारण क्या होगा कि अब ये ना वाटर को कम एब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हो। पूरा जो है लो टेम्परेचर पे ही उतने पूरा जो है ग्लासी हो गया है, सिलिका पूरा पिघल गया है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर जो है कम एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाता है, मोर
वाटर रेजिस्टेंस RE, या ऐसे कह देते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रेजिस्टेंस करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। वाटर ABSORTTIO, वाटर एब्जॉर्प्शन को RESISTANCE, वाटर एब्जॉर्प्शन को रेजिस्टेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वाटर को रेजिस्ट करने लगता है, वाटर को सोखता नहीं है। ठीक है, और इसका निर्माण, पेविंग ब्रिक का निर्माण जो है, इसमें हम आयरन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो पेविंग ब्रिक का निर्माण जो है, हम सेल जो होता है, सेल सेल एक जैसे मूंगे मूंगे का नाम सुना होगा, कोरल। तो समुद्र में ना वो कोरल या मूंगे जो भी होते हैं, उनका एक मतलब शरीर पे जो है एक खोल रहता है। ठीक है, और उस खोल में जो है आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसका इस्तेमाल जो है हम उसका इस्तेमाल हम जो है इसमें करते हैं, पेविंग ब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो पेविंग ब्रिक बनाने के लिए यहाँ पे PAVING, पेविंग ब्रिक बनाने के लिए, पेविंग ब्रिक बनाने के लिए जो है सेल, SHALE, सेल का यूज करते हैं। ठीक है, सेल मतलब भी कोई बैटरी नहीं है, ये मूंगे कोरल होते हैं, उनका खो शरीर है। ठीक है, शरीर का हिस्सा है। देखो, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, खांसी जैसा हो रहा है, तो इस वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। और ये जो है ना पेविंग ब्रिक, इसकी साइज साइज को लिख लेते हैं। इसकी जो साइज होती है, तो पहला जो इसका साइज है वो 19.5 × 9.5 × 9 सेंटीमीटर, और दूसरी इसकी जो साइज होती है 19.5 × 9.5 × 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है क्या होती है, इसकी साइज होती है। अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, COMPRESSIVE, कंप्रेसिव STRENGTH, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कम नहीं होनी चाहिए, 400 kg/cm² से। ठीक है, तो मिनिमम जो है 400 kg/cm² जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, इसकी क्षमता वाटर एब्जॉर्प्शन, ABSORTTIO, ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 5% से ज्यादा नहीं सोखना चाहिए। ठीक है, तो अब देख रहे हो आप कि ये क्या है, पेविंग ब्रिक है, और इसका यूज हम जो है पाथ बनाने में करते हैं, रास्ते बनाने में। तो रास्ते बनाने में करेंगे तो उस पे क्या होगा कि कंप्रेसिव लोड ही आएगा। ठीक है, सबका भार ये बियर करेगा, तो इसके कारण जो है इसका जो स्ट्रेंथ है वो 400, मिनिमम 400 रखते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम कम से कम मतलब होना चाहिए, लेकिन ये 5% से ज्यादा हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये रही पेविंग ब्रिक। तो ये जो है तीसरी स्पेशल टाइप की ब्रिक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
और चौथा चौथा जो ब्रिक है वो क्या है, सोलिंग ब्रिक। बर्न क्ले, SOLING, सोलिंग ब्रिक। और इसके लिए IS कोड है IS 5779। तो बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक, फिर हाँ ठीक है। तो इसका जो IS कोड है वो 5779 है, ठीक है ना। अब जो ये क्या होती है सोलिंग ब्रिक, तो ये नॉर्मल ईंट जैसे ही होगी, और इसका यूज जो है हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम सोलिंग में करते हैं। देखो मैंने शुरू में बोला था कि हम जो ब्रिक्स होता है, ईंट होता है, झामा ब्रिक होता है, उसका यूज हम करते हैं रोड मेटल के रूप में, ठीक है ना। रोड मेटल, तो रोड मेटल के रूप में करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि जब रोड बनती है तो पहले क्या होता है, मिट्टी होता है, ठीक है, पहले मिट्टी होता है, और उस मिट्टी पर क्या करते हैं, उस मिट्टी पे ईंट ला करके, ईंट के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ला कर फेंक देते हैं। तो अब उसके पास जो है एक हार्ड सरफेस हो जाता है मिट्टी के बाद। मिट्टी क्या है, लूज है, और ब्रिक का सरफेस एक बन गया तो वो हार्ड सरफेस हो गया। फिर इसके बाद से हम इस पे इसके ऊपर जो है बैलास्ट लाते हैं, पत्थर की गिट्टी डाल देते हैं, मोटी वाली गिट्टी, गिट्टी नहीं कहेंगे, ग्रेवल होता है वो, तो वो डाल देते हैं इस पे बड़ा बड़ा सा, आपने देखा होगा। और इसके बाद से जो हमें रोड बनाना होता है, तो इसके सरफेस को पूरा समतल करके और इसके बाद से इसके ऊपर जो है रोड बनाते हैं। तो यही जो सबसे मिट्टी के ऊपर जो सबसे पहले हमने ईंट की लेयर बिछाई है, इसी लेयर को हम कहते हैं सोलिंग, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, सोलिंग। तो बर्न्ड क्ले सोलिंग ब्रिक जो होता है, इसका यूज हम रोड में सोलिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। और पहले वाले का तो पता ही है कि इसका यूज हम जो है कहाँ करते हैं, पाथ बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूज, यूज कहाँ करेंगे, रोड SOLING, रोड सोलिंग में करेंगे इसका यूज। और इसकी साइज क्या होगी, चलिए हाँ, इसकी साइज जो है ये दो साइजों में रहता है, पहला 19x9x9 सेंटीमीटर जो नॉर्मली हम देखते हैं, और दूसरा 19x9x4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है मोटाई क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब देखो इसको हम सोलिंग में यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, COMPRESSIVE, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, ये कम नहीं होनी चाहिए, 50 kg, यानी कि 50 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो मिनिमम जो है 50 kg जो है इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहने की क्षमता होनी चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि वो अधिक नहीं होना चाहिए, WATER, वाटर, ABSORPTION। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है अधिक नहीं होना चाहिए 20% से। तो सोलिंग ब्रिक जो है हमने देखा है ना, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 50 kg,
इसकी साइज दो साइजों में उपलब्ध होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसकी 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पेविंग वाले में लिख लेना यूज यूज PAVING पेविंग वर्क WORK। तो पेविंग वर्क का मतलब आप समझ रहे हो ना, रास्ता। और पेविंग वर्क के अलावा जैसे आपको सरफेस बनाना, जैसे कि स्क्वायर आपने देखा होगा, स्क्वायर बोलते हैं जैसे, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। जैसे आने जाने के लिए बहुत, जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा जो है फील्ड जैसा खाली होता है, और इधर से भी रास्ता होता है और इधर से भी रास्ता होता है। लोग आते हैं और इसमें इतना सारा स्पेस रहता है, इसमें जो है दुकानें बनी रहती हैं या कुछ भी शॉप रहता है, तो इधर जो है बैठने उठने का जो है थोड़ा सा जगह रहता है चाय कॉफी के लिए। तो इस वाले पूरे जो एरिया को क्या करते हैं, पूरे एरिया पे भी हम ईंट को बिछा सकते हैं या उसकी कंक्रीटिंग कर सकते हैं, जो भी मतलब अच्छा रहेगा। तो अगर ब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोर के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है यूज हो गया। अब हमारा जो लास्ट लास्ट नहीं, मतलब इसके बाद एक और रहेगा, तो 5वें नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, तो 5वें नंबर पे हमारा है बर्नट क्ले, BURNT, बर्नट क्ले हॉलो। या बर्नट क्ले नहीं लिखते हैं, आप लिख भी सकते हैं, इसे हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, HOLLO W हॉलो ब्रिक। इस हॉलो ब्रिक को ही कैविटी कहते हैं, CAVIT बाई कैविटी ब्रिक। और इसे ही सेलुलर कहते हैं, CELLULAR सेलुलर ब्रिक। तो इन तीनों के नाम क्या है, एक ही है, हॉलो ब्रिक, कैविटी ब्रिक और सेलुलर ब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ईंट दिख रही है ये क्या है, सेलुलर ब्रिक है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसी है, इसका एक मतलब दूसरा वाला सिरा क्या है, बंद है। ये दूसरा वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या है, बंद है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कई टाइप की होती है। फिर यहाँ पे एक कहाँ गया, और ये जो भी, ये वाला भी जो दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, सेलुलर ब्रिक ही है, या होलो कह सकते हो, होलो देख ही रहे हो खोखला है, या आप कह सकते हो कि कैविटी ब्रिक। कैविटी क्या होता है, कैविटी मतलब गड्ढा होता है, ठीक है ना। जैसे आप प्रचार में नाम सुने होंगे कि दांतों में कैविटी, तो दांतों में कैविटी का मतलब कि दांत में क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, जिसे भोजपुरी में या नॉर्मल ऐसे बोलते हैं कि दांत में खोड़ा हो गया है, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो कैविटी मतलब होता है गड्ढा। तो इसमें देख रहे हो आप, ये गड्ढा है, तो इस वजह से इसका नाम जो है कैविटी ब्रिक भी हम बोलते हैं। और इसमें भी देख रहे हो पूरा जो है कैविटी है, मतलब खोखला है ये, ठीक है ना। तो हमारी ईंट क्या है, हॉलो हॉलो कैविटी ब्रिक। अब हॉलो कैविटी ब्रिक जो है, तो इससे क्या है कि इसकी जो वेट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। तो जब हम इसका यूज हम करेंगे मैसनरी में, तो क्या होगा कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक बात है। और साथ में इसमें पूरा क्या है, कैविटी हॉलो है,
तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, साथ में ये क्या है, हॉलो है, ठीक है, गड्ढा है। तो अगर हम मैसनरी करेंगे तो इस बीच वाले गड्ढे में, इस बीच वाले खोखले भाग में हवा भर जाएगी, ठीक है ना, हवा भर जाएगी और ये पूरी तरीके से पैक हो जाएगा, हवा भर जाएगी पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। तो हम इसकी पूरी अगर एक दीवार बना देते हैं तो क्या होगा, अब जैसे ठंडे के दिन में आप रजाई ओढ़ के सो जाते हो, तो जो रजाई होता है वो रजाई इंसुलेटर का कार्य करता है। उसमें रजाई में क्या होता है, रुआ भरा होता है या जो भी कंबल आप ओढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि हवा भरी रहती है, ठीक है। रुआ जो है, जो रुआ होता है, रुई कॉटन, तो उस कॉटन मतलब ऐसे फुला रहता है और वो क्या करता है कि वो अलाउ करता है इसमें हवा जो है वो भरी रहती है। तो इससे क्या होता है कि इधर की हवा जो है इधर से पास नहीं हो पाती, इधर की हवा ऐसे जो है निकल के पास नहीं हो पाती, ठीक है, एक बैरियर का कार्य करता है। तो उसी तरीके से हम इस ईंट को अगर दीवार में जोड़ देंगे और पूरी दीवार बना देंगे तो इसमें हवा भरा हुआ है तो रजाई के जैसा हो जाएगा, तो वो जो है हवा को एक तरफ से दूसरे तरफ पास नहीं होने देगा, जिसके कारण ये जो है नमी को रोक सकता है। अब नमी को भी रोक सकता है, साथ में हीट को भी रोक सकता है। आप जान ही रहे हो, रजाई हम ओढ़ते हैं तो हीट को रजिस्ट करने के लिए ही करते हैं, साथ में साउंड को भी जो है रजिस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए और बीच में क्या है कि वो खाली गैप छोड़ रहा है, तो इसके कारण जो है वो हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा वो साउंड प्रूफ भी हो जाएगा। और नमी, और तो नमी क्या होगी, नमी क्या होती है कि एक तरफ से अगर इस पे नमी आएगी तो वो इनके वॉइड से होते हुए जो है क्या होगी, धीरे 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 जो है होते हुए दूसरी तरफ जो है पहुंच जाएगी। लेकिन ये बीच में क्या है, हॉलो है, खोखला है, तो आएगी नमी तो यहाँ आएगी और यहीं तक क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आएगी तो यहाँ से होते हुए जो है एकदम इधर तक आ जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हो कि अगर इस ईंट का जो है ज्यादातर हिस्सा क्या है, खोखला है, तो यूज करेंगे तो ज्यादातर क्या होगा कि ये नमी को रोक देगा, दूसरा साउंड को नहीं, साउंड का आदान प्रदान नहीं होगा, तीसरा हीट प्रूफ जो है हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आप जो है समझ गए होंगे। तो इसको लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं कि इस ब्रिक को यूज करने से स्ट्रक्चर का डेड लोड कम हो जाता है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर का क्या होगा, डेड लोड जो है कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका यूज जो है हमने डिस्कस करा है, तो यूज हम कहाँ करेंगे, यूज करेंगे हीट प्रूफ डैम्प प्रूफ, डैम्प मतलब क्या होता है, नमी, DAMP डैम्प प्रूफिंग के रूप में, और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, साउंड प्रूफ के रूप में। ठीक है, अब ये हॉलो ब्रिक है, कैविटी ब्रिक है या जो भी सेलुलर ब्रिक है, इसके तीन प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप,
TYPE टाइप। तो अगर ए टाइप की बात करें तो ए टाइप की ब्रिक रहेगी, तो जो ब्लॉक होगा BLOC के, ब्लॉक विथ बोथ फेस की। तो अगर ए टाइप की रहेगी तो ब्लॉक जो है दोनों साइड में रहेगा और उसपे जो है ना की बने रहेंगे। की मतलब कोई खांचा होता है कुछ, कहा गया की मतलब ना ये खांचा होता है यहाँ पे कुछ, और खांचा रहेगा तो उससे क्या होगा कि जब हम जोड़ेंगे, मैसनरी करेंगे, तो जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो ए टाइप के रहेगा तो ब्लॉक विथ बोथ फेस की, और बी टाइप की अगर सेलुलर ब्रिक रहेगी तो ब्लॉक विथ बोथ फेस स्मूथ, और अगर सी टाइप की रहेगी तो ब्लॉक वन फेस की एंड वन फेस स्मूथ। तो ये तीन प्रकार की होती है ए बी सी। ए प्रकार की में दोनों में की रहेगा और ब्लॉक रहेंगे, ब्लॉक तो रहेंगे ही, और बी में दोनों में ब्लॉक रहेंगे लेकिन स्मूथ रहेगा। सी में दोनों में ब्लॉक रहेंगे लेकिन क्या होगा, एक में की रहेगा और एक में जो है की नहीं रहेगा। ठीक है, और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लें, कंप्रेसिव नहीं क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो CRUSHING क्रशिंग, STRANGTH। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मिनिमम जो है 3.5, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कम नहीं होनी चाहिए, 3.5 यानी कि 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए 20% से। तो यहाँ पे WATER वाटर ABSORPTION अधिक नहीं होना चाहिए 20% से। ठीक बात है। इसके बाद एक और स्पेशल टाइप की ईंट है, 6 नंबर पे, बर्न्ट क्ले जाली, BURNT बर्न्ट क्ले, JALLIS जालीस, जाली जाली लिख लो, और इसका IS कोड है 7 7 5 6। बर्न्ट क्ले जाली और इसका IS कोड है 7 5 6। ठीक है ना, तो इसका यूज जो है बरामदे में करते हैं, पैरापेट वाल में कर सकते हैं, बाउंड्री वाल में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका यूज VARANDAH बरामदा PARAPET पैरापेट वाल एंड एंड
बी ओ यू एन डी ए आर वन बाउंड्री बाउंड्री वाल में करते हैं। तो आप पुराने स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत पुराने, तो इतिहास में इतिहास वाले जो भी हैं, ताजमहल हैं, तो पुराने पुराने स्ट्रक्चर में क्या है कि ऐसे ही वहां पे स्टोन की जाली बनी हुई है। वहां पे स्टोन की जाली है और यहाँ पे हम जो है उसकी बात कर रहे हैं, ब्रिक की, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो जाली हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि छेद होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, वॉइड्स होंगे, जो छेद का एरिया होगा वो 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं TOTAL, टोटल VOIDS, वॉइड्स का एरिया 40% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। तो ये हो गई क्या हमारी जाली ब्रिक। और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग जो स्ट्रेंथ होता है वो कम नहीं होना चाहिए 12 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से। और वाटर AVSOR TTIOM, वाटर जो एब्जॉर्प्शन है वो अधिक नहीं होना चाहिए 15% से, ठीक है। इफ्लोरोसेंस ELORESCENCE, तो इफ्लोरोसेंस जो है अधिक नहीं होना चाहिए 10%, और ब्रैकेट में स्लाइड। तो ये रही हमारी क्या जाली ब्रिक। तो आज की वीडियो में हमने स्पेशल ब्रिक के बारे में जो है डिस्कशन किया है, और हमने जो है 6 ब्रिक, 6 टाइप के जो है स्पेशल ब्रिक के बारे में डिस्कशन किया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी बातें हो सकती थी एग्जाम में पूछे लाइक, वो जो है सारी बातें जो है हमने लिखा दी है इसमें। आपको पूछेगा कि यूज कहाँ करते हैं, और दूसरा जो है इसका IS कोड पूछ सकता है। इसमें जनरली यही दो सवाल पूछ सकते हैं, और पूछने को तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो चांस है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं और साथ में इसका जो IS कोड है वो क्या है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे थोड़ा सा, क्योंकि तबीयत सही नहीं, मतलब खांसी जैसा है, तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और लास्ट वीडियो होगा, उसमें जो 7th इसके आगे 6 नंबर के बाद जो 7वें टाइप की ब्रिक है वो हम पढ़ेंगे, और हमारा जो चैप्टर है वो ब्रिक्स का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।